आपका एक एक वोट इस देश को आतंकवाद से, नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जा रहा है। महाराष्ट्र अमरावती में साधारण सभा गृहमंत्री अमित शाह सीधासलख कांग्रेस को टार्गेट करछंती। अमरावती लोके काहेंकी बीजेपी को भोट देबे से कथा बखाणी शाह कहते नक्सलवाद और आतंकवाद देश को मुक्त करने को जदि चाहते तेज बीजेपी प्रार्थी को भोट दिंतु। देशप्रेमी और देश विरोधी लड़ाई भितर बीजेपी को भोट देले आपण देशप्रेमी भितर सामिल हेबे। परिवारवाद बनाम रामराज्यर लड़ाई रे परिवारवाद हारिबो बोली से कहचंदी। आपका एक एक वोट इस देश को आतंकवाद से, नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जा रहा है और आपका एक एक वोट इस देश को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने के लिए जा रहा है। और भाइयों और बहनों, आपका एक एक वोट देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई में देश प्रेमियों के पक्ष में जा रहा है। आपका एक एक वोट परिवार का राज्य चाहने वाले और राम राज्य चाहने वालों के बीच की लड़ाई में राम राज्य के पक्ष में आपका एक एक वोट जा रहा है। 10 वर्ष मोदी जो विकास करछंती विरोधी कांग्रेस से कथा चिंता भी कर नथला। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा करिबा पई मोदी सरकार को केते समय लागिला ता देशवासी जानछंती। कांग्रेस सरकार समय रे राम मंदिर प्रसंग लटकी रहितला वर्ष वर्ष धरी। रामलला को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को उद्धव ठाकरे राहुल बाबा को निमंत्रण होइतला किंतु समान आसि नथिले। यह राम को प्रति अपमान बोली कहछंती अमित शाह। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। कई सारे काम है मगर कुछ काम ऐसे हैं जो मोदी जी के अलावे हो ही नहीं सकते। अमरावती वालों बताओ मुझे, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस वाले 70 साल तक राम मंदिर को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों देखिए, ये अपने आप को शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया। ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। अरे राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया, अभी अमरावती आए। राहुल बाबा अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। विगत 10 वर्ष मोदी शासन काल जो विकास देखी देश ताकू पाथेय कर भोट देवा को अपील करते अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण को पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करूची कि आपण सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही असंतु आपण चाहूतिबा मन लागी संपूर्ण आवासिक स्कूल। टीएससी गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।